रेशमा अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसे मिस ब्यूटी के नाम से सभी लोग बुलाया करते थे। उसके बाल रेशम की तरह काले सुंदर और घने थे। रेशमा अपने काले सुंदर घने बालों पर बहुत ही घमंड किया करती थी। ओ मिस ब्यूटी, कहाँ जा रही हो अपने नागिन जैसे बालों को लहरा कर? तू मेरे बालों के बारे में कुछ मत बोल, कभी घर का कुछ काम भी कर लिया करो, या सिर्फ दिन भर अपने बालों को सजाने और सवारने में ही लगी रहती हो? जिसके बाल होंगे वो ही समझेगा कितना ख्याल रखना पड़ता है मुझे मेरे बालों का। अपने बाल देखे, बंदर जैसी पूंछ की तरह है। एक दिन जब तेरे भी सारे बाल झड़ जाएंगे ना, तब तुझे समझ में आएगा। रेशमा और उसकी बहन शालू में बालों को लेकर हमेशा टकरार रहा करती थी। रेशमा घर का कोई भी काम नहीं किया करती थी, दिन भर अपने बालों में लगी रहती थी और शालू के काम वालों का मजाक उड़ाया करती थी। इससे उसकी बहन शालू उसे बहुत जलती थी। अंकित कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का था। कॉलेज की सभी लड़कियां उस पर मरती थी, लेकिन वह रेशमा के काले घने बालों का दीवाना था। एक दिन अंकित रेशमा के पास आया और बोला, रेशमा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरी एक ही शर्त है, मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी और तुम मेरे बालों की रोज चम्पी करोगे। बोलो मंजूर है? क्या मैं ठीक है। कुछ ही दिनों में अंकित और रेशमा अपने परिवार की सहमति से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद रेशमा दिन भर अपने बालों को सवारती रहती थी और रात में अंकित से अपने बालों में तेल लगवाती थी। यह देख रेशमा की सास रोमा को बहुत ही बुरा लगता है। बहू, मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी ही सर पर है। जी हाँ माँ जी, मेरे सर पर मेरे बालों की जिम्मेदारी ही काफी है, घर की जिम्मेदारी आप ही संभालो और वो आप ही के सर पर। ठीक है, तो क्या मतलब तू घर का कोई काम नहीं करेगी? जी नहीं, इसी शर्त पे तो मैंने अंकित से शादी की है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे मसाज पार्लर जाना है। इस तरह रेशमा घर का एक भी काम नहीं किया करती थी। एक दिन जब अंकित रेशमा के बालों की मसाज कर रहा था, तभी अंकित से रेशमा का एक बाल टूट जाता है। ये क्या किया तुमने, बालों में तेल तक लगाना नहीं आता तुम्हें? मेरे इतने कीमती बाल तोड़ दिए। मैंने अपनी फोटो एक कंपनी वाले को भेजी थी, वो मुझे शैम्पू और ऑयल का एक एड देना चाहता था और तुमने। रेशमा, मैं कोई स्पेशलिस्ट थोड़ी हूँ बालों की मसाज करने का, जो तुम मुझ पर गुस्सा कर रही हो। इसीलिए तो तुम्हारे बाल चिड़िया के घोंसले जैसे हैं। कभी खुद ने अपने बालों का ख्याल रखा है? अगर ख्याल रखते तो ऐसे नहीं होते। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे बाल बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ऐसे दूसरों के बालों का मजाक उड़ाना गलत बात है। रेशमा हमेशा दूसरों के बालों का मजाक उड़ाया करती थी। रोमा को रेशमा की यही बात परेशान किया करती थी। रेशमा हर दूसरे दिन बालों में लगाने के लिए नई तरीके के शैम्पू, कंडीशनर, तेल लेकर आया करती थी और अपने बालों में लगा लेती थी। ऐसे ही कुछ समय बीतता गया। बेटा, अगले हफ्ते कुछ मेहमान आने वाले हैं, तुम मेरे साथ काम में थोड़ी मदद कर दो। मम्मी जी, आज मेरे पार्लर का अपॉइंटमेंट है, मैं हेयर स्पा के लिए जा रही हूँ। एक काम तुझसे नहीं होता, सारे दिन अपने बालों में लगी रहती है। जिसके बाल होते हैं वही समझता है, आपके मेरी तरह बाल नहीं है ना, आप क्या समझोगे? इतना बोल रेशमा पार्लर चली जाती है। रोमा यह बात अंकित को बता देती है। तू रेशमा को कुछ बोलता क्यों नहीं है? वो सारे दिन अपने बालों को सवारने के लिए महंगे महंगे तेल और शैम्पू यूज करती रहती है, कितना खर्चा करती है वो। जब देखो जब पार्लर, जब देखो जब मसाज, क्या है ये सब? आखिर उसके बाल इतने खूबसूरत भी तो है माँ। पार्लर में गलती से ब्यूटिशियन गलत केमिकल वाला तेल लगा देती है, जिससे रेशमा के पूरे बाल कमजोर हो जाते हैं। रेशमा घर आकर सो जाती है। अगले ही दिन सुबह जब बाथरूम में नहाने जाती है, तो शैम्पू करते समय उसके सारे बाल झड़कर गिर जाते हैं।
अपने बालों को गिरता देख रेशमा जोर से चीखती है और बाथरूम से बाहर निकल आती है। चीख सुनते ही अंकित भी वहां आ जाता है और रेशमा को टकला देख वह भी जोर जोर से चीखने लगता है। ए, ये क्या, तुम गंदी कैसे हो गई? लगता है पार्लर वाली ने कुछ तो गड़बड़ कर दिया है, मेरे सारे बाल चढ़ा दिए। तभी रोमा भी वहाँ पर आ जाती है। सभी के बालों का मजाक उड़ाती थी, आज तुम्हारे बाल उड़ गए। चलो अब तुम्हें काम ना करने का कोई बहाना नहीं मिलेगा, बढ़िया है। अगले ही हफ्ते पार्टी की तैयारी के लिए तुम मेरी मदद करा सकती हो। क्या माँ, उसके सारे बाल गिर गए और आपको मजाक सूझ रहा है? मैं मेहमानों के सामने ऐसी गंजी कैसे जाऊंगी? नहीं नहीं नहीं, मुझे पार्टी में नहीं जाना है। तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई तरकीब जरूर सामने आएगी, पार्टी में कुछ दिन बाकी है। रेशमा अंकित के हाथ में एक लंबी सी तेल और शैम्पू की लिस्ट थमा देती है और खुद को कमरे में बंद कर देती है ताकि उसे कोई ना देख सके। अंकित ये सारे तेल और शैम्पू दावा करते हैं कि इनको लगाने से मेरे बाल वापस उग आएंगे और वो भी सिर्फ 7 दिनों में। ठीक है, मैं ऑफिस से घर आते वक्त ये सारे सामान लेकर आऊंगा। अंकित के जाने के बाद रेशमा फिर से खुद को कमरे में बंद कर लेती है। तभी रोमा रेशमा के कमरे के पास आकर बोलती है, अरे ओ गंजी कहीं की, अब काम नहीं करने का क्या नया बहाना है तुम्हारे पास? चलो चुपचाप मेरे साथ काम में हाथ बटाओ, आई बड़ी। लेकिन मम्मी जी, मुझे किसी ने ऐसी टकली देख लिया तो? नहीं 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 नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ। चलो 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 बाहर आओ, मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है जिससे तुम्हारा सर भी ढक जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम टकली हो। रेशमा अपने कमरे से बाहर निकलती है और देखती है कि रोमा अपने हाथ में एक बड़ा सा कपड़ा लेकर खड़ी हुई है। रोमा रेशमा के सर पर पगड़ी बांध देती है और फिर उसे घर का सारा काम करवाती है। शाम को अंकित रेशमा के द्वारा दी गई तेल और शैम्पू की लिस्ट का सारा सामान लेकर आ जाता है। ये देखकर रेशमा बहुत खुश हो जाती है और एक के बाद एक सारे तेल और शैम्पू अपने सर पर लगाने लगती है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और पार्टी में जाने के लिए सिर्फ एक ही दिन बचा होता है, लेकिन रेशमा के सर पर एक भी बाल नहीं आता। ये सारे शैम्पू और तेल मैंने ट्राई करके देख लिए लेकिन एक भी काम नहीं आ रहा। अब पार्टी में सिर्फ 1 दिन बचा है, मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकलेगा। नहीं तो क्या होगा, सिर्फ बाल ही तो नहीं है तुम्हारे सर पर? आपके सर पर बाल है ना, इसीलिए आपको इस गंजी का दुख समझ में नहीं आ रहा है। रोमा को इस बात की खुशी होती है कि कम से कम उसकी बहू को दूसरों की भावनाओं की कद्र करनी आ गई है। इसी बीच रोमा रेशमा से बहुत काम करवाती है और दिन भर उसे काम में बिजी रखती है, जिसके नतीजे रेशमा बहुत सारे खाने की डिशेस बनाना सीख जाती है और तो और वो अपने घर की भी सफाई अच्छे से करना सीख जाती है। अब सो भी जाओ, कल कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। अब कुछ नहीं हो सकता, वैसे भी तुम्हारी मम्मी जी बहुत खुश है, फ्री की नौकरानी जो मिल गई है उन्हें। अंकित से रेशमा की ये परेशानी देखी नहीं जाती। वह अगले ही दिन मार्केट जाकर उसके लिए एक हेयर विग ले आता है। डेंटरन येलो, अब कोई तुम्हारा मजाक भी नहीं उड़ा पाएगा और तुम्हारे बाल वो भी पहले की तरह काफी लंबे और घने लगेंगे। अरे वाह, अब मैं पार्टी में जा सकती हूँ। रेशमा विग लगाकर तैयार हो जाती है। पार्टी में रेशमा की बहन शालू भी आती है। अरे रेशमा, तेरे बाल इतने रूखे क्यों लग रहे हैं? शालू जैसे ही रेशमा के बाल छूती है, रेशमा का विग शालू के हाथ में आ जाता है। सभी टकली बहू को देखकर हंसने लगते हैं और अपनी हंसी पर काबू नहीं कर पाते। अरे रोमा, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी बहू गंजी है, उसके सर पर बाल नहीं है। ये कैसे हो गया रेशमा, तुम्हारे बाल कितने लंबे थे? रेशमा को सभी की बात सुनकर बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे
मेरी बहू तो लाखों में एक है, लाखों में एक। उसकी पहचान इससे नहीं है कि वो उसके बाल कैसे दिखते हैं या वो सर पर विग लगाती है या नहीं। उसकी पहचान तो उसकी नेक दिल से है। वो एक अच्छी इंसान है, उसका दिल बहुत अच्छा है। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने खूबसूरत बालों के घमंड में आकर आपकी भी बहुत ज्यादा बेइज्जती की। आज से मैं कभी भी ऐसी कोई घमंड नहीं करूंगी। देर आए दुरुस्त आए रेशमा बेटी, इंसान की पहचान उसकी खूबसूरती से नहीं होती, उसके कर्म से होती है। समझ गई ना बेटी? हाँ। आप सभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप सभी के बालों का भी बहुत मजाक उड़ाया है, मुझे उसकी सजा मिल गई है। रेशमा आज से सभी की इज्जत करने लगती है और रोमा के साथ घर के काम में मदद कराने लगती है।